सीएम साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आरंग का दौरा करेंगे। दरअसल पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाना है। आरंग गांव के अकोली में कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे सीएम आरंग पहुंचेंगे और आरंग के अकोली गांव में करीब 2:50 पर आरंग से रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, पीसीसी चीफ दीपक बैज आज दिल्ली जाएंगे। दरअसल आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात होगी उनकी। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से भी वे भेंट मुलाकात कर सकते हैं। संगठन में नियुक्ति को लेकर वरिष्ठ नेताओं से इस पर चर्चा होगी और प्रभारी सचिन पायलट से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। और भिलाई के डीपीएस स्कूल में कोहराम मचा है। पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आखिर क्यों मचा है यह बवाल, ये संगीन इल्जाम आपको भी हैरान कर देंगे। आरोपों का सच क्या है, आइए देखते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली का आज पेरेंट्स ने घेराव कर दिया है और दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पेरेंट्स पहुंचे हुए जो सुबह से ही स्कूल का घेराव कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं और स्कूल का घेराव कर रहे हैं। ये पूरा मामला बताया जाता है कि एक बच्चे के साथ गलत काम होने का है, जिस वजह से ये पेरेंट्स भड़क उठे हैं और पेरेंट्स का कहना है कि कहीं इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई पेरेंट्स बेवकूफ नहीं है, अपने बच्चे की बदनामी करेगा या अपने स्कूल को यहाँ पर पनी ये करेगा, उनको ये कर दिया है ना, निकाल दिया है ना बच्चे को स्कूल से, तो कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेगा ना सर। कुछ हुआ होगा तभी ये इतना बड़ा कांड हुआ सर। प्रबंधन गोलमोल घुमा रहा है, सभी पेरेंट्स को कोई उचित जवाब और सही जवाब दे नहीं रहा है। एक तरफ एक घटना होती है 5 तारीख को, ठीक है, लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन उसमें अभी तक कोई जांच नहीं हुई, उचित जांच। और जब पेरेंट्स थाने जाता है तो थाने में उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। स्कूल में कोहराम मचा है, पेरेंट्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यहाँ पेरेंट्स सवाल कर रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा का क्या, हमारे बच्चे स्कूल में कितना महफूज हैं। भिलाई का नामचीन दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली डीपीएस में आखिर क्यों पेरेंट्स को मोर्चा खोलना पड़ा, क्यों सैकड़ों की तादाद में पेरेंट्स को यहाँ आना पड़ा, माहौल को भांपते हुए क्यों पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा, तो पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। दो सवालों के घेरे में है भिलाई का डीपीएस स्कूल। दरअसल 1 महीने पहले 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गंदी हरकत छेड़खानी की खबर आई थी। आरोप लगा था मासूम बच्ची के साथ गलत काम हुआ। कल मुझे ये जानकारी मिली कि 5 या 6 जून की घटना है, ये किसी बच्ची के साथ में छेड़छाड़ हुआ है डीपीएस स्कूल में। तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ये मामला जो है 5 या 6 जून का था और बच्ची के परिजन ने बच्ची का मेडिकल कराया है और उसमें ये मेडिकल में पुष्टि हुई है, लेकिन इस स्कूल प्रबंधन जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। स्कूल प्रबंधन साफ मुकर रहा है कि इस प्रकार की कोई भी घटना हमारे स्कूल में नहीं हुई है। इधर स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स का आरोप है कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ, आरोप है कि इस मामले को स्कूल प्रबंधन दबा रहा है। तो उस बच्ची के साथ पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि मतलब जांच हुई मेडिकल टेस्ट तो उसमें कुछ ऐसे चीज निकले हैं जिससे पता चला है कि वो मतलब उसके साथ छेड़खानी हुई है। इधर जांच में पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। डीपीएस स्कूल के गार्जियन और पेरेंट का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया हुआ था, जिस पर प्रिंसिपल के द्वारा अंदर ला करके बैठा करके उनसे चर्चा की जा रही थी। इस बीच इनकी संख्या अधिक था, इसलिए पुलिस बल भी मौके पर आए हुए हैं और इनका जो भी मांग है, जो डाउट्स हैं, वो प्रिंसिपल
डीपीएस के साथ मिल करके इसको क्लियर कर रहे हैं। इनके आपस में बातचीत चल रही है। जब ये मामला आया था उस समय पुलिस की आईओसीए की टीम द्वारा जांच कराई गई है। इसमें दुष्कर्म जैसा कोई चीज़ जांच में नहीं पाया गया है, ये बात स्पष्ट है। और इन सारी चीज़ों को अवगत कराया गया है। और अगर कोई इस प्रकार की बात, इस प्रकार की जांच इनके समक्ष है, इनको हमने आग्रह किया है कि इनके प्रतिनिधिमंडल आ जाएं और उसके सामने ये सारे चीज़ क्लियर कर लें। स्कूल प्रबंधन भी सारे आरोपों को खारिज कर रहा है। सुनिए सफाई। मेरा ये कहना चलिए क्या है, पूरा मामला मैंने समझा दिया है कि बच्ची जो जब से आई है स्कूल में और जब बच्ची गई है उस दौरान जो है बच्ची वॉशरूम में नहीं गई है, पूरा टाइम वो क्लासरूम में बैठी हुई है। और जब शुरू में ये लास्ट में जब स्कूल एंड हुआ है तो बच्ची जो है क्लास टीचर के साथ जाकर अपनी बस में चढ़ गई है। ये भी कह रहा है कि जो जांच करवाना है करवा लीजिए। मैं कहता हूँ और कुछ कमेटी से जो भी है उससे फर्दर जांच करा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और भी आगे कोई जांच करवानी है हम हर जांच के लिए तैयार हैं। ना बच्चे को बाहर निकाला है ना ही स्टाफ को बाहर निकाला है। आखिर सच क्या है, बच्चे के परिवार वालों को क्या डराया गया है, जांच जारी है। दुर्ग में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।